नमस्कार साथियों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपको बता दें, लॉकडाउन 2 में आपको मालूम हो चुका था कि आपको किन किन चीज़ों में छूट दी गई है, लेकिन आज शाम 7 बजे की ये बड़ी अपडेट है जिसमें आपको बता दें सरकार ने कुल 6 चीज़ों में और संशोधन किया है, जिसके चलते अब इन 6 और चीज़ों में आपको छूट दी गई है। इसलिए आपको इन 6 चीज़ों की छूट का जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको वो 6 चीज़ इन लिस्ट में दिखाने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी और आवश्यक सेवाएं हैं जिनमें सरकार के द्वारा आपको छूट दी गई है। देखिए साथियों, ये 15 अप्रैल 2020 लॉकडाउन क्रियान्वयन जो आदेश थे, इनमें संशोधन किया गया है। आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला संशोधन है, देखिए आप, चिकित्सा में चश्मा और चश्मा वाले की दुकान केवल न्यूनतम कर्मचारियों के साथ व आपातकालीन चश्मे से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया गया। अर्थात ऐसे चश्मा विक्रेता जो केवल चिकित्सकों के काम आने वाले चश्मा आदि का निर्माण करते हैं, उनको अब छूट दी गई है। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, ये 4 सेवाएं हैं जिनको भी प्रतिस्थापित किया गया। जैसे एक तो है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी कंपनियां जो सभी आवश्यक वस्तुओं सामानों की आपूर्ति करती है, में उनके कार्यालय, भंडार गृह तथा व्यक्तियों की पूरी श्रृंखला सम्मिलित है। डिलीवरी मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए उनको करना होगा। पास की व्यवस्था भी इनके लिए की गई। आप देख सकते हैं, ऐसे सभी कंपनियों को अधिकार पत्र दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं, ऐसी कंपनियां जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर संचालित होती हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगी, तथा जो कंपनी जिला स्तर से संचालित होती है, जिला कलेक्टर कार्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए किसी अन्य होम डिलीवरी प्रणालियों कर्मियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पास जारी किए जाएंगे। पैरा 3 में देख सकते हैं, वाणिज्यिक और अन्य संस्थान भी अब इसमें जोड़े जाते हैं, जिनमें न्यूनतम स्टाफ के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हाउसिंग फाइनेंसेज कंपनियां शामिल है, इनको भी इनमें अब शामिल किया गया है। पैरा 8, निर्माण स्थल बी को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, जिनमें आप देख सकते हैं कि नगर परिषद, नगर पालिका सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों, पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता संबंधित कार्य, विद्युत परिसंचरण, ऑप्टिकल फाइबर व केबल को खड़ा करने डालने संबंधित गतिविधियों के साथ साथ समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाएं जिनमें नगर पालिका सीमा के बाहर सूक्ष्म मध्यम उद्योग, रीको निजी औद्योगिक क्षेत्र की समस्त ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी के अतिरिक्त कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियों में भी ये संशोधन किया गया, जिसमें वन क्षेत्रों के आदिवासियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वन उपज और गैर टिम्बर वन उपज का संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण शामिल है। 6 नंबर पर आप देख सकते हैं, माल व परिवहन संबंधी जो सेवाएं हैं, इनमें से इनको हटा लिया गया। अर्थात आवश्यक अनुमति के साथ ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन, इसको अब छूट में से हटा लिया गया है। तो साथियों, ये कुछ संशोधन है जो लॉकडाउन 2 में सरकार के द्वारा किए गए हैं। इससे पूर्व में 15 अप्रैल को जो लिस्ट डाली गई थी, उसमें से कुछ सेवाएं नई शामिल की गई है और कुछ सेवाओं को वापस अधिग्रहित कर लिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी साथियों। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए और प्रत्येक खबर में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।